हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि हाल में ही हेरिडेटरी नाम की एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई है, जिसको कि क्रिटिक्स द्वारा वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म्स बताया जा रहा है। कई लोग तो ऐसा भी मान रहे हैं कि ये फिल्म आज तक की सबसे डरावनी फिल्म है। रॉटन टमाटोज पे ये फिल्म 90% फ्रेश है, लेकिन व्यूअर्स ने इस फिल्म को सिर्फ 56% रेटिंग दी है। इतनी कम? तो मैंने आप सभी में से 3 लोगों को सिलेक्ट करके उनके साथ ये फिल्म थिएटर में देखा, और आज इस वीडियो में मैं हेरिडेटरी फिल्म की पूरी स्टोरी आप सभी को बताऊंगा। स्टोरी के अलावा मैं आपको इस मूवी में दिखाए गए डीमॉन पेमोन के बारे में भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, और वीडियो के एंड पार्ट में हम इस बात का खुलासा करेंगे कि क्या सचमुच में ये एक अच्छी फिल्म है। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हमें एक मिनिएचर हाउस दिखाया जाता है, और जैसे जैसे कैमरा क्लोज जाती है हम देख सकते हैं कि उस घर में ग्रैहम्स फैमिली रह रही होती है। इस परिवार की सबसे एल्डेस्ट मेंबर एलन की आपातकालीन मृत्यु हो गई थी, और ये परिवार एलन के फ्यूनरल अटेंड करने जा रहे होते हैं। इस परिवार में एलन के अलावा 4 और लोग थे, जिनमें एलन की बेटी एनी, एनी का पति स्टीव, इन दोनों का बेटा पीटर और इनकी एक बेटी चार्ली होती है। अब चार्ली मूवी के शुरुआत से ही बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिख रही थी, और वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें करती थी, जैसे ठंड के मौसम में भी रात को बाहर जाकर ट्री हाउस में सोना, अजीब से कपड़े पहनना इत्यादि। तो जब ये परिवार एलन के फ्यूनरल पे पहुंचते हैं तो सरप्राइजिंगली वहाँ कई अननोन लोग इस फ्यूनरल को अटेंड करने आए थे। एनी फ्यूनरल स्पीच देती है, और उसके स्पीच के दौरान चार्ली एक अजीब सी अनसेटलिंग क्लिक साउंड निकालती है। स्पीच के दौरान हमें एनी के गले में एक अजीब से सिंबल वाला लॉकेट भी दिखता है, और वही सेम लॉकेट हमें एलन की डेड बॉडी पे भी देखने को मिलती है। अब अनजान लोगों का फ्यूनरल पे आना थोड़ा अनयूजुअल था, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी हमें तब होती है जब एक अनजान आदमी चार्ली की तरफ देखकर मुस्कुराता है, मानो जैसे ये सभी लोग किसी कल्ट को बिलोंग करते हों। तो ये परिवार घर वापस आती है, और आगे के कुछ सीन्स में हमें इस फैमिली के मेंबर्स की कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स दिखती है, जैसे कि एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट थी और वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड सी रहती थी। एनी का बेटा पीटर एक सेडिस टाइप का बंदा था, जो कि हर वक्त पॉट स्मोक करता था। एनी का पति स्टीव इन सब में सबसे नॉर्मल था, और इस परिवार की बेटी चार्ली तो बहुत ज़्यादा वियर्ड थी। तो आगे के सीन में हम देखते हैं कि चार्ली अपनी माँ एनी से पूछती है कि ग्रैंड माँ की मौत के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। इस पर एनी बोलती है कि वो उसका ख्याल रखेगी, लेकिन उस वक्त चार्ली एक अजीब सा सवाल पूछती है कि आपके मरने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा। एनी थोड़ी घबराती है, लेकिन फिर वो एक झटके से बोलती है कि उसका ख्याल उसका बड़ा भाई पीटर रखेगा। एनी चार्ली को बताती है कि उसकी ग्रैंडमा एलन सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करती थी, मतलब इतना प्यार कि उसके जन्म के वक्त वो खुद चार्ली को ब्रेस्ट फीड करती थी, और एनी को वो उसके पास तक नहीं आने देती थी। इस बात पे चार्ली बोलती है कि उसकी ग्रैंडमा एलन को एक लड़का चाहिए था, लेकिन चार्ली तो एक लड़की थी। दोस्तों, इस लाइन के अंदर बहुत ही बड़ी मीनिंग छुपी है, जो कि स्टोरी में आगे जाने पे हमें पता चलेगी। तो चार्ली को सुलाने के बाद एनी अपने माँ के बिलोंगिंग्स को देखती है, जहाँ उसे एक नोट मिलता है। इस नोट में वो एनी से माफ़ी मांगते हुए ये कह रही थी कि उनका सैक्रिफाइस वर्थ होगा, और इन सब के बदले उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये बहुत ही लॉजिकली क्रिप्टिक मैसेज थी, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें समझ नहीं आती है। आगे हम चार्ली के क्लासरूम का एक सीन देखते हैं, जहां एक पिजन उस क्लासरूम के विंडो से टकराकर मर जाता है। इसके बाद कैमरा उसी क्लास में रखे एक कैंची की तरफ फोकस करता है, और ठीक अगले सीन में हम चार्ली को उस डेड बर्ड की उसी कैंची से गला काटते हुए देखते हैं। उस बर्ड की बिहेडिंग करने के बाद चार्ली उसके सर को अपने पॉकेट में रख लेती है, और वहाँ हम एक औरत को रोड के उस पार चार्ली की तरफ देखते हुए पाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये परिवार एलन के कमरे को बंद कर देते हैं, लेकिन बंद होने से पहले हमें उस रूम में कुछ सैटैनिक रिचुअल्स के सिंबल देखने को मिलते हैं। इसके बाद स्टीव को कॉल आती है कि किसी ने एलन की कब्र को खोदकर उसकी डेड बॉडी चुरा ली है। स्टीव इस बात को अपने परिवार वालों से छुपा लेता है, क्योंकि वो एनी को परेशान नहीं देखना चाहता था। अगले सीन में हम एनी को अपने पति से झूठ बोलकर एक ग्रीफ शेयरिंग सेशन में जाते हुए देखते हैं, जहां वो अनजान लोगों के साथ अपने माँ के बारे में कुछ अजीब बातें शेयर करती है। वो बताती है कि उसकी माँ थोड़ी पागल थी, और वो उसके भाई के शरीर के अंदर किसी और को डालना चाहती थी। इस सब ट्रॉमा से एनी के भाई ने सुसाइड कर लिया था।
इसके अलावा एलन के पति की भी अनजान रूप से मौत हुई थी और एलन एक ऐसी औरत है जो लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती थी। एनी ये तक बताती है कि उसकी माँ एलन मेल फिगर्स के अंदर मानो कोई हुक सा डाल देती थी जिससे वो इंसान उनके पूरे कंट्रोल में आ जाता था, और इसीलिए जब एनी के बेटे पीटर का जन्म हुआ तो वो अपनी माँ को पीटर के नज़दीक तक नहीं आने देती थी। इसके बाद चार्ली का जन्म हुआ और चूंकि वो एक लड़की थी, एनी चार्ली को अपने ग्रैंडमा के पास जाना अलाउ करने लगी, और शायद यही वजह है कि चार्ली आज थोड़ी एबनॉर्मल सी है। तो नेक्स्ट सीन में हमें चार्ली के रूम में एक लाइट दिखती है जो कि उसे एक फील्ड की तरफ डायरेक्ट करती है। वहाँ जाने पर चार्ली को एक इंसान दिखता है जो कि फील्ड में लगे आग के बीच बैठा था, मानो वो कोई सैटेनिक रिचुअल कर रहा हो। तभी वहाँ एनी आ जाती है और वो चार्ली को खींच कर घर के अंदर ले आती है। दूसरी तरफ पीटर के दोस्त उसे पार्टी में बुलाते हैं और एनी चार्ली को भी पीटर के साथ उस पार्टी में भेज देती है ताकि पीटर पार्टी में ड्रिंक वगैरह ना करे। पार्टी में पहुंचते ही पीटर पॉट स्मोक करने लग जाता है और चार्ली एक केक खा लेती है जिसमें नट था। अब चूंकि चार्ली को नट से एलर्जी थी, वो चोक करने लगती है और पीटर उसे कार में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगता है। चार्ली सांस लेने के लिए अपना सर कार से बाहर निकालती है, लेकिन तभी पीटर को रोड पे एक जानवर मृत अवस्था में दिखता है और वो कार को टक्कर से बचाने के लिए राइट साइड मोड़ता है। राइट साइड पे एक पोल थी और चार्ली का सर उस पोल से टकरा जाता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। पीटर इस हादसे से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है और वो चुपचाप अपने पेरेंट्स को बिना बताए घर पे आगे बेड पे लेट जाता है। अगली सुबह एनी और स्टीव को चार्ली की मौत के बारे में पता चलता है और एनी पागलों की तरह रोती है। चार्ली के फ्यूनरल के दौरान भी हम एनी को बहुत ज़्यादा रोते हुए देखते हैं। इस हादसे के बाद इस परिवार में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, और एक छोटे से सीन में हम देखते हैं कि पीटर को पॉट स्मोक करते वक्त एक अजीब तरह का अटैक आता है। अब एनी एक बार फिर से ग्रीफ शेयरिंग सेशन अटेंड करने की सोचती है, लेकिन उसे उस सेशन में जाने की हिम्मत नहीं होती है। वो अपनी कार से जाने ही वाली होती है कि उसे एक जोआना नाम की औरत मिलती है। जोआना बताती है कि उसके भी सन और ग्रैंडसन की पानी में डूबकर हाल में ही मृत्यु हुई है और वो एनी को इस सदमे से निकालने में मदद कर सकती है। ऐसा बोलकर वो एनी को अपना एड्रेस देती है। तो नेक्स्ट डे एनी जोआना के घर जाती है जहाँ उसे एक फमिलियर टाइप की डोरमैट दिखती है। इससे पहले वो ज़्यादा कुछ सोच पाती, जोआना दरवाज़ा खोलती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान एनी बताती है कि सालों पहले उसे नींद में चलने की बीमारी थी और एक स्लीप वॉकिंग के दौरान वो अपने बच्चों के ऊपर पेंटनर डालकर उन्हें जलाने वाली थी। एन वक्त पे उसे होश आया था और तब से उसके और उसके बेटे के बीच की रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब हो गई, क्योंकि पीटर सोचने लगा था कि उसकी माँ उसे मारना चाहती है। आगे के सीन्स में हम एनी को चार्ली के एक्सीडेंट की मिनिएचर आर्ट बनाते देखते हैं, जिसे देखकर स्टीव बहुत अपसेट होता है। उसी रात डिनर टेबल पे पीटर और एनी के बीच एक बहस होती है जिसमें पीटर का कहना था कि एनी ने ही चार्ली को उसके साथ जाने को फोर्स किया और एनी चार्ली के मौत का सारा इल्ज़ाम पीटर पे डाल रही थी। स्टीव दोनों को शांत करते हैं और इस सीन से हम देख सकते हैं कि ये परिवार टूट रही थी। अगले दिन जब एनी एक सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही होती है तो उसे वहाँ जोआना फिर मिलती है। जोआना उसे बताती है कि हाल में ही उसने सियोनसे की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपने ग्रैंडसन से कॉन्टैक्ट किया। वो बहुत प्लीड करके एनी को अपने घर ले जाती है और वहाँ वो उसे अपने ग्रैंडसन के स्पिरिट से सच में कनेक्ट करके दिखाती है। एनी इस सीन से डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन शातिर जोआना उसे चार्ली के स्पिरिट को बुलाने की सलाह देती है, और इस प्रक्रिया में एनी को बस चार्ली की एक वस्तु चाहिए थी, फिर कुछ अननोन लैंग्वेज में मंत्र पढ़ने थे और स्पिरिट से कनेक्शन बन जाता। उसी रात एनी स्लीप वॉक करते हुए पीटर के रूम तक जाती है जहाँ उसे पीटर के शरीर पर ढेर सारी चींटियाँ दिखती है। असल में ये बस एक सपना था और वो रियलिटी में स्लीप वॉक नहीं कर रही थी, और इस सपने में पीटर एनी से पूछता है कि आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, जिस पर एनी बताती है कि उसे पीटर चाहिए ही नहीं था। एनी की माँ एलन ने उसे फोर्स करके बच्चा करवाया। इनफैक्ट एनी ने तो अपने ही मिसकैरेज का भी ट्राई किया था, बट समहाउ पीटर सरवाइव कर गया। इन बातों को सुनकर पीटर बिल्कुल टूट सा जाता है और अचानक एनी की नींद खुलती है। उसे पता चल जाता है कि यह सब एक सपना था। वो तुरंत ही पीटर और अपने पति स्टीव को बुलाकर सियोनसे की प्रक्रिया शुरू करती है ताकि वो चार्ली को बुला सके। इस प्रक्रिया के दौरान अजीब घटनाएं होती है, जैसे एनी का चार्ली की आवाज़ में बोलना, कैंडल्स के लाइट का जलना बुझना इत्यादि। इन घटनाओं को देखकर पीटर बहुत डिस्टर्ब होता है और स्टीव इस प्रक्रिया को एनी के शक्ल पर पानी फेंक कर बंद करवाता है। यहाँ स्ट्रेंज बात यह थी कि एनी को कुछ याद ही नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ था, क्योंकि वो शायद चार्ली की आत्मा की मीडियम बन गई थी।
तो नेक्स्ट डे हम एनी को बहुत फ्रस्ट्रेटेड देखते हैं और गुस्से में वो अपने सारे मिनिएचर आर्ट्स को तोड़ देती है। दूसरी तरफ चार्ली की नोटबुक, जिसको सियोन से प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसमें पीटर की कई तस्वीर अपने आप बनने लगती है। स्कूल में पीटर अपने रिफ्लेक्शन को एक शीशे में देखता है, जिसमें वो अपने रियल एक्सप्रेशन से काफ़ी अलग और खुश दिख रहा था। एनी चार्ली के उस बुक को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन बुक में आग लगते ही उसके शरीर में भी आग लगने लगती है, जिसके कारण उसे बुक की आग बुझानी पड़ती है। एनी अगले दिन वापस जोआना के घर अपने कुछ सवालों का जवाब लेने जाती है, जहां वो देखती है कि जोआना के घर में कोई नहीं है और वहां पीटर के फोटो को लेकर कुछ सैटैनिक रिचुअल्स किए गए हैं। वो जोआना के घर की डोर मैट को ध्यान से देखती है, जिससे उसे याद आता है कि ऐसा ही कुछ डोर मैट उसकी माँ एलन के पास भी थी। वो घर भागकर एलन के सामानों को चेक करती है, जहां उसे सेम पैटर्न्स के कई और डोर मैट्स दिखते हैं। उसे एक एल्बम बुक मिलती है, जहां वो एलन को जोआना के साथ देखती है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब जोआना शायद एलन के इशारों पर काम कर रही थी और वो बहुत ही शातिर रूप से एनी को फंसा कर उसे रिचुअल्स करवा रही थी। एनी को एलन के डब्बे में एक स्पिरिचुअलिज्म की किताब भी मिलती है, जिसको पढ़कर उसे पता चलता है कि ये सब कुछ डीमॉन पेमॉन को एक शरीर दिलाने की कोशिश में हो रहा है। अब मुझे पता है कि आप सभी बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं, इसलिए मैं अब इस फिल्म के सारे राज खोलता हूँ। तो असल में एनी की माँ एलन एक सैटैनिक कल्ट का हिस्सा थी, जो डीमॉन पेमॉन की पूजा करते थे। पेमॉन हेल का 8 किंग्स में से एक है। इसे गॉड ऑफ मिस्चीफ भी बोलते हैं और वो उन्हीं होस्ट के शरीर में जाता है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हों। इसको किसी इंसानी शरीर में डालने के लिए कुछ रिचुअल्स करने होते हैं और उस शरीर से वापस निकालने के लिए भी कुछ रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। तो एनी की माँ एलन सबसे पहले पेमॉन को अपने बेटे यानी कि एनी के भाई में डालने की कोशिश करी थी। इसी कोशिश के दौरान एनी के भाई को काफ़ी टॉर्चर किया गया था, क्योंकि वो रिचुअल्स का हिस्सा था और इसी वजह से उसने सुसाइड करी थी। इसके बाद वो वापस किसी इंसान के शरीर में पेमॉन को डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एनी को अपने माँ के बिहेवियर पर शक हो गया था और वो उन्हें पीटर के करीब तक नहीं आने देती थी। अब चूंकि पेमॉन मेल है, उसे फीमेल बॉडी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी एलन ने पेमॉन को चार्ली के अंदर डाला था। इसीलिए चार्ली स्टार्टिंग में बोल रही थी कि उनके ग्रैंडमा को एक लड़का चाहिए था, क्योंकि वो एक लड़के के शरीर में पेमॉन की आत्मा को डालना चाहते थे। उनका एक्चुअल टारगेट तो पीटर था, इसलिए उन्होंने अपने आप को मारने से पहले एक मास्टर प्लान बनाया, जिसमें उसकी फ्रेंड जोआना उसकी मदद कर रही थी। जोआना जानबूझकर एनी से दोस्ती कर रही थी और इस कल्ट का अल्टीमेट प्लान पीटर के शरीर में पेमॉन डीमन को लाने का था। ये सारी बातों को जानने के बाद एनी अपने घर की एटिक को चेक करती है, जहां उसे उसके माँ के शरीर सरी हुई मिलती है और उस शरीर में सर भी नहीं था। अब आपको याद होगा कि एलन की बॉडी चोरी हो गई थी, तो जिन लोगों ने उस बॉडी को चोरी करी, मोस्टली उस कल्ट वाले लोगों ने, उन्होंने इस बॉडी को एटिक में सर काट कर डाल दिया था, क्योंकि बिहेडिंग करना रिचुअल की एक प्रक्रिया थी। ऊपर सीलिंग पे खून से पेमॉन का सिंबल बना था और धीरे धीरे हम व्यूअर्स ये भी नोटिस करते हैं कि इस घर में तकरीबन हर एक सामान में पेमॉन की सिंबॉलिज्म थी, जैसे लॉकेट, बेड, डोर मैट इत्यादि। दूसरी तरफ स्कूल में पीटर को वाली आवाज़ सुनाई देती है और उसका शरीर मानो अकड़ सा जाता है। वो अपने फेस को डेस्क पे जोर से पटकता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है और क्लास के सारे लोग इस दृश्य को देखकर एकदम से डर जाते हैं। पीटर के पिता उसे घर लाते हैं, जहां एनी भी पीटर के टूटे नाक को देखकर घबरा जाती है। वो स्टीव को अपनी माँ एलन और पेमॉन से जुड़ी सारे बातें बताती है, लेकिन स्टीव को ऐसा लग रहा था कि एनी शायद पागल हो गई है। एनी स्टीव से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो चार्ली की डायरी को जला दे, क्योंकि वही एक लिंक है, लेकिन उस डायरी को जलाने से एनी भी जल जाती। स्टीव इनकार करता है और एनी झटके से खुद उस डायरी को आग में फेंक देती है। डायरी में आग लगते ही हम देखते हैं कि एनी के शरीर में आग लगने के बजाय स्टीव के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर वहीं मर जाता है। इसका मतलब सियोन से प्रक्रिया के दौरान सिर्फ एनी ही नहीं, बल्कि स्टीव भी उस डायरी से कनेक्ट हो गया था। उधर पीटर को होश आता है और वो अपने पिता के जले शरीर को देखकर बहुत अपसेट होता है, लेकिन तभी उसकी माँ एनी उसे मारने के लिए पागलों की तरह दौड़ती है। एनी भी पेमॉन द्वारा पजेस हो चुकी थी और पीटर भागकर एटिक में जाता है। बाहर एनी पागलों की तरह अपना सर दीवार पर पटकती है। एटिक के अंदर पीटर को भी एलन की सरी हुई बॉडी दिखती है और अचानक ऊपर उसे अपनी माँ खुद का गला काटते हुए दिखती है। इसके अलावा वहाँ कुछ नंगे लोग भी खड़े थे, जो कि पीटर की तरफ देख रहे थे। पीटर भागते हुए कांच तोड़कर बाहर कूद जाता है और तभी उसके शरीर में एक लाइट एंटर कर जाती है। ये वही लाइट है जिसे हम चार्ली के आसपास देखते थे और इस सीन से साफ जाहिर हो जाता है कि पेमॉन फाइनली पीटर के शरीर को हथिया लिया था। फिर पीटर उठता है और वो अपनी माँ को हवा में फ्लोट करते हुए चार्ली वाले ट्री हाउस में जाते देखता है। वो खुद भी उस ट्री हाउस के अंदर जाता है, जहाँ उसे कई लोग दिखते हैं जो कि शैतान पेमॉन की पूजा कर रहे थे।
वो सभी लोग पीटर के अंदर बैठे पेमोन के सामने झुकते हैं और फिर जोआना पेमोन को एक किंग जैसा क्राउन पहनाकर किंग पेमोन घोषित करती है। सभी लोग हेल पेमोन चिल्लाते हैं और फिर मूवी की शुरुआत के ठीक विपरीत कैमरा जूम आउट होता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हेरिडेटरी फिल्म की डिटेल स्टोरी। इस फिल्म में आपको कहीं भी ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा। इनफैक्ट इस फिल्म में एक भी जंप स्केयर सीन्स हैं ही नहीं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि मूवी को देखते वक्त आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ये फिल्म भूतों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये हमें सैटानिक कल्ट के बारे में बताती है। अब हालांकि इस फिल्म की आखिरी 20 मिनट्स काफ़ी इंटेंस है, लेकिन ओवरऑल मुझे ये फिल्म एकदम बोरिंग लगी। इनफैक्ट मेरे साथ देख रहे थिएटर के सारे लोग तो एक पॉइंट में चिल्ला चिल्ला कर इस फिल्म की मजाक उड़ा रहे थे। तो आखिर क्यों ये फिल्म इतनी हाईली रेटेड है? असल में इस फिल्म के एक्टर्स ने कुछ ज़्यादा ही अच्छी एक्टिंग करी है, खास करके टोनी कोलेट ने, जिन्होंने एनी का किरदार को निभाया है। फिल्म की डायरेक्शन एकदम ऑन पॉइंट है और फिल्म अपने पहले सेकंड से ही अनसेटलिंग है। फिल्म की कहानी भी एकदम अलग है और ये मानो एक नया जॉनर है जहाँ चीज़ें एकदम रियलिस्टिक तरीके से दिखाई जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्रिटिकल फिल्म है जो कि सैटानिक कल्ट्स की चीज़ों को एक रियलिस्टिक रूप से दर्शाती है। लेकिन अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो वो बिल्कुल शून्य है, मतलब ज़ीरो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म को देखते वक्त आप बोर हो जाएंगे और अगर आप थिएटर में गए तो आपका पैसा पूरा वेस्ट जाएगा। अब इस वीडियो में मैंने आपको डीमोन पेमोन के बारे में कुछ बातें बताई हैं, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं आप सभी को डीमोन पेमोन के बारे में अपनी अगली वीडियो में ढेर सारी डिटेल्स बताऊँगा। मैं इस फिल्म के एग्जाम्पल्स को रिलेट करके आपको पेमोन की सारी डिटेल्स क्लियरली समझाऊँगा। अभी फिलहाल आप बस इतना जान लो कि पेमोन बिल्कुल रियल है। तो अगर आप मेरी पेमोन वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। इसके अलावा मैं आपके इस मूवी से जुड़े कुछ डाउट्स भी क्लियर करूंगा, तो अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लें। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।